नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लान करेंगे कि कल हम निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे। क्या 22,000 का लेवल सही में निफ्टी को गिरते हुए बचा सकता है, या तो निफ्टी अगले वीक में भी बैरिश रहते हुए 21,500 के लेवल तक पहुंच सकता है। मेरे निफ्टी के ऊपर मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो भी ऑलरेडी देखा है, जरूर उसको देखना। और चलिए मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर। तो हमने फ्राइडे के दिन देखा कि निफ्टी ने 123 पॉइंट्स का गिरावट के साथ 22,023 पे क्लोज दिया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात एक ही थी कि 22,023 मतलब कि 22,000 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट से 23 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज दिया है। हालांकि हम इसको एक कन्विंसिंग क्लोज नहीं मान सकते हैं। अगर आप डेली चार्ट देखो तो जो सिनेरियो है वो बैरिश लग रहा है फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये जो आप लाइन्स मेरी देख रहे हो वो मैंने वीकली चार्ट के अंदर बताई हुई है, जरूर से देख लेना। चलिए अब मैं आपको सारे क्लियर चार्ट के साथ एक के बाद एक चीजें समझाना शुरू करता हूँ। दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, फ्राइडे के दिन की जो कैंडल बनी है इट इज एन इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल का मतलब ये हुआ कि थर्सडे की कैंडल का हाई बना था 22,204, थर्सडे की कैंडल का जो लो बना था दैट वाज 21,917 और इस रेंज के बीच, थर्सडे के हाई और लो के बीच अगर आप देखो तो फ्राइडे के दिन की पूरी पूरी कैंडल आ चुकी है। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एन इनसाइड कैंडल। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर निफ्टी को और ज्यादा गिरना है, क्योंकि वेनसडे को देयर वाज अ ह्यूज कैंडल यू नो, और थर्सडे की कैंडल ने एक जो गैप होता है वो भी फिल अप कर दिया है, जो यू नो बड़े फॉल होने से पहले एक जरूरी चीज होती है, दैट इज ऑल्सो डन। सो नाउ इफ निफ्टी हैज टू फॉल द फर्स्ट थिंग दैट इट हैज टू डू इज 22,900 का लेवल ब्रेक करे। जब तक 21,900 का लेवल ब्रेक नहीं करता है ये निफ्टी दोनों तरफ इधर उधर कर सकता है, दोनों तरफ आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर सकता है और यू नो इट कैन गिव यू नो मिक्स्ड पिक्चर, वॉलेटाइल रह सकता है और दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। एक क्लियर ट्रेंडिंग डायरेक्शन के लिए कल अगर आपको ट्रेड करना है, कल अगर आपको बेयरिश ट्रेड लेना है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सबसे पहले 21,900 के लेवल को ब्रेक करने दीजिए। यहाँ पे क्लोज आया है, चलिए अब फ्राइडे के कैंडल की भी बात कर लेते हैं। फ्राइडे का जो क्लोज आया दैट इज 22,023 और फ्राइडे की कैंडल का जो हाई बना था दैट वाज 22,120। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। डाउनसाइड के ऊपर 21,900, ऊपर की तरफ 21,120 और उसके बाद 22,200 जो थर्सडे की कैंडल का हाई बना हुआ है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम चले जाएंगे आर्ली चार्ट के अंदर और हमारी प्लानिंग करेंगे कल के लिए। सो जैसे मैंने अगर आपको बताया, अगर आपको बेयरिश ट्रेड लेना है आइडियली अच्छा रहेगा अगर 21,900 के नीचे मिनिमम 10 से 15 मिनट जो है वो सस्टेन करे। जब तक ये लेवल को सस्टेन नहीं करता है 5-10 मिनट भी एटलीस्ट, तब तक वो फेक मूव आ सकता है और वापस से ऊपर चढ़ सकता है, इस बात को जरा ध्यान रखना। अगर 21,900 ब्रेक हो जाता है तो फिर हम 21,857 के लेवल को टारगेट करेंगे, जो कि एक यहाँ पे स्विंग हाई बना हुआ है, यहाँ पे भी एक स्विंग लो बना हुआ है, तो वो लेवल को हम कंसिडर करेंगे। और अगर 21,850 ब्रेक हो जाए उसके बाद 21,800 और उसके बाद यहाँ पे बन रहा है 21,725। So, ये लेवल नीचे की तरफ मैं प्लान कर रहा हूँ, 270 पॉइंट्स का मैंने प्लानिंग कर रखा है। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो पहला लेवल आर्ली चार्ट के हिसाब से भी अगर आप देखो तो स्ट्रॉन्ग लेवल एक यू नो यहाँ पे बन रहा है 22,067, उसके बाद 120 और अगर 120 ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे 165 पे छोटा सा रेजिस्टेंस लेते हुए 205 के बाद ये 248 और फिर यहाँ पे हम 298 या तो 22,300 तक जाते हुए देख सकते हैं। तो दोनों तरफ 300 पॉइंट्स का प्रोविजन मैंने ऑलमोस्ट करके रखा है। यही लेवल पे ट्रेड करें, इसे ध्यान रखें, इस लेवल को बिल्कुल भी मिस ना करें। आने वाले दिनों में क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, इस बात को भी ध्यान में रखें और संभल के ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें, डेफिनेटली पैसा बनेगा। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो तो यू कैन टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। रिस्क मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट, ये बात से अगर आप अग्री करते हो
यू कैन टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड ब्लेस यू।